आप अपनी मोटरसाइकिल एक शहर से दूसरे शहर पार्सल करना चाहते हैं तो खबर के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, वरना आप खा सकते हैं धोखा। इसलिए खबर को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि आप ट्रेन से कैसे कर सकते हैं बाइक को पार्सल। आप अपना भारी से भारी सामान भी भेज सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर। शहर बदल रहे हैं लेकिन चिंता सता रही है कैसे जाएगी बाइक, तो टेंशन छोड़िए, जाइए रेलवे स्टेशन। अगर आपने लंबा सफर किया हो तो यकीनन ट्रेन से सफर भी किया होगा। ट्रेन में लंबी दूरी भी आराम से कट जाती है। अब तक आप ट्रेन से कई बार सफर कर चुके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन न सिर्फ इंसानों को बल्कि आपकी बाइक को भी एक शहर से दूसरे शहर तक ले जा सकती है। आप अपनी बाइक को ट्रेन से पार्सल करवा सकते हैं। ये पार्सल कैसे भेजना है और इसके लिए आपको क्या करना है, ये आज हम आपको खबर में बताएंगे। पहले जानिए बाइक को पार्सल करने का चार्ज ट्रेन में कितना लगता है। ट्रेन से पार्सल द्वारा बाइक भेजने पर लगने वाला चार्ज अलग अलग ट्रेन में अलग अलग हो जाता है। कितनी दूरी तक बाइक पार्सल की जानी है उस हिसाब से चार्ज आपसे लिया जाता है। IRCTC वेबसाइट के मुताबिक अगर दूरी 290 किलोमीटर है और बाइक का वजन 100 किलोग्राम है तो पार्सल चार्ज 121 रुपया लगेगा। आपको बता दें कि पार्सल के मुकाबले लगा चार्ज 25% ज्यादा लगता है। भुगतान करने पर रेलवे की तरफ से इसका बिल दिया जाता है। बाइक की डिलीवरी के वक्त ये बिल आपको दिखाना जरूरी होता है। सिर्फ पार्सल ही नहीं बल्कि बाइक या किसी भी भारी सामान को भी आप अपने साथ लगेज के तौर पर ले जा सकते हैं। लगेज के तौर पर आप बाइक कैसे ले जा सकते हैं, अब ये समझिए। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आप अपने साथ लगेज के रूप में बाइक ले जा सकते हैं। इसके लिए जिस स्टेशन से आप चलने वाले हैं वहां ट्रेन के लिए निर्धारित समय से करीब आधे घंटे पहले पहुंचना होगा, या पार्सल विभाग में जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं। बाइक की बुकिंग करने के लिए आपके पास ट्रेन के सफर की वैलिड टिकट होनी चाहिए। बाइक की बुकिंग करने के लिए आपके पास ट्रेन के सफर करने की वैलिड टिकट होनी जरूरी है। बुकिंग के बाद इस स्टेशन पर बाइक को पार्सल की तरह अच्छे से पैक कर दिया जाएगा। ट्रेन के आने पर आप बाइक को लगेज वाले डिब्बे में लेकर जा सकेंगे, बशर्ते उसमें खाली जगह होनी चाहिए, नहीं तो बाकी सामानों के साथ इसे रख दिया जाएगा, जिसे आप डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ले सकेंगे। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर आप टिकट और लगेज का बिल दिखाकर अपनी बाइक अपने साथ ले जा सकते हैं। अब आप जानिए कि कैसे बाइक को पार्सल भेजा जा सकता है। पार्सल बुकिंग करने के लिए रेलवे के पार्सल ऑफिस जाना होगा। पार्सल ऑफिस में आपको अपनी बाइक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपीज जमा करानी होगी। यहां एक बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि बाइक को पार्सल करने से पहले उसके पेट्रोल टैंक को पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा। एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको बाइक की पूरी डिटेल जैसे कि कंपनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, वजन और कीमत लिखनी होगी। साथ ही इस फॉर्म पर बोर्डिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन की डिटेल भरनी होगी। इसके बाद बाइक को पार्सल की तरह पैक कर ट्रेन से भेज दिया जाएगा। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ, बिहार।